मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखो। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर एट एक्स माइनस कॉस का पावर एट एक्स और बटा में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। चलिए एक काम करते हैं, मैं साइन का पावर एट को यहाँ पे साइन का पावर फोर एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ और माइनस कॉस का पावर फोर एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, चलिए लिख सकते हैं। और नीचे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए अब इसके बाद करते हैं, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, तो एक बार यह माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन का पावर फोर एक्स माइनस कॉस का पावर फोर एक्स और इंटू में साइन का पावर फोर एक्स और प्लस कॉस का पावर फोर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे आपका है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए एक काम करते हैं, अब फिर इनको स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए और नीचे आपका जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए अब अगले स्टेप में देखो, मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे एक काम करते हैं, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 * साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, या फॉर्मूला लगा दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे जो है वो तो आपका रहेगा ही 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, समझ रहे ना। चलिए अब देखो, इसमें से ना माइनस कॉमन मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसमें से, तो यह उल्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस वाला माइनस में चल जाएगा, माइनस वाला प्लस में, इसका फॉर्मूला तो 1 होता है। चलिए ब्रैकेट के अंदर आओ, यहाँ भी 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 का स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, 1 से इंटू करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 2 sin² x cos² x और बटा में आपका नीचे है 1 - 2 sin² x cos² x dx। तो ये दोनों तो सेम ही आ गए ना, कट गया, अब बच गया cos² x का, तो cos² x का इंटीग्रेशन sin² x हो जाएगा और 2x का 2 डिवाइड में आएगा प्लस में c, समझ गए, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन